जी तो दोस्तों, मैं हूं तानिफ फखार और पार्ट अब ये है यार कि टुडे इज वेरी बिजी अ लॉन्ग डे। तो सबसे पहले भाई जाना है मुझे बैंक, तो चलते हैं। भाई यार ज़्यादा ब्लॉगिंग करने से ना आपका दिमाग भी ख़राब हो सकता है। मुझे है कि आज सैटरडे और सैटरडे को बैंक बंद होता है। तो फाइनली आई एम एट ऑफिस। थैंक यू। ओह माय गॉड। फाइनली भैया आई एम एट ऑफिस और अब इसकी वजह से शदीद गर्मी है और मैं फैन ऑन नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो में आवाज़ आएगी। अभी बताता चलूँ यार कि मुझे TCS ऑफिस भी जाना था लेकिन बैंक तो जा नहीं सका, तो TCS ऑफिस जाने का कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए सीधा ऑफिस आ गया। और अभी जो पिछले दानी प्रो की शादी थी कल परसों, तो भैया उसका अभी ब्लॉग मैंने अपलोड करना है, तो वो आप जल्दी ही अभी देख लेंगे थोड़ी देर में। और ये ब्लॉग मैं आज रात में जाके अपलोड कर दूँगा। और माजत यार यहाँ पे लाइटिंग एक्चुअली बहुत कम है, तो बस अभी काम करना है बैठ के। हाँ जी भैया, सुबह से काम ही हो रहा है यार और ज़बरदस्त किस्म का हेडेक है मेरे सामने आज। अभी भैया काम थोड़ा सा रह गया है और ये काम ख़त्म करने के बाद नमाज अदा करनी है असर की, और असर की नमाज अदा करने के बाद एक जगह जाना है अगर वो बंदा हुआ तो। हाँ जी भैया, सब काम ख़त्म करने के बाद अभी मैं बाहर आ चुका हूँ और अभी जिस स्ट्रीट से मैं जा रहा हूँ वो मेन रोड और जवेद शेड रोड के बीच में एक कह सकते हैं आप शॉर्टकट है। और अगर आप हैदराबाद में हैं तो मेन रोड और जवेद शेड रोड आप लोगों को पता ही होगा। एक्चुअली मेरा फ्रेंड अभी मुझे पिक करने के लिए आ रहा है लेकिन अभी तक पहुँचा नहीं है, तो उसी स्ट्रीट से मैं जा रहा हूँ जिस स्ट्रीट से उसे आना है। क्या पता गलत भी हो सकता है, कहीं और से भी आ सकता है, क्या पता किसी और रास्ते से भी आ सकता है। आई जस्ट गेस यार के इसी रास्ते से आएगा एंड चल दिया हूँ मैं। और अभी वो आता है तो उसके बाद यार प्लान करते हैं क्योंकि आज कुछ करने को है नहीं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है लेकिन वो अपने जाके अपने रूम में करूँगा, तो शॉर्ट्स देखिए आप लोग। हमें एक न्यू बड़ी मिले हैं अभी यहाँ पे, उमर भाई। उमर भाई हमारे व्यूज़ को हाई कर दें प्लीज। मैं बता रहा हूँ बड़े बड़े लोग मिले। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है, खैर है? सात भाई हमारे जिनका सुजुकी बाइक व्लॉग है आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और भाई हाँ जी भैया, शायद मैं आपको दिखाई ना दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे यार अंधेरा है, तो अभी मैं एक्चुअली फ्रेंड्स के साथ हूँ। पीछे काशी भाई, जीला अली, अली का छोटा भाई, और अभी हम लोग यार थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, एक काम है उसके सिलसिले में। तो कैसे हैं आप लोग? जैन भाई सुबह सवेरे के ऑफिस गए हुए, सीधा वहाँ से आके भी तक घर भी नहीं गए, और हमारे साथ भाई अली हसन भाई बहुत ही कुमार बने हैं, हमें भी साथ घुमा रहे हैं, आधी रात होने वाली है। हाँ जी भैया, बैक टू होम अल्हम्दुलिल्लाह। और आज के अगर व्लॉग की बात करते हैं तो यार आज का व्लॉग मेरा मोटो व्लॉग बन गया क्योंकि बाइक पे आज हम लोग घूमते रहे। एक्चुअली एहदराबाद में बहुत दिनों से नहीं गया था तो ऐसे ही गेड़ा मारने निकल गए। बड़े दिनों से दानी भाई की शादी में थोड़ा बिजी थे, तो अगर आपने वो व्लॉग मेरा नहीं देखा तो अभी ही अपलोड किया है, आज ही अपलोड किया है, तो आप जाके देख सकते हैं मेरा पिछला व्लॉग माई फ्रेंड्स वेडिंग के नाम से, वो दानी ब्रो की वेडिंग का था। और मुद्दा ये है कि इमरान खान 18 अगस्त को दो इंडियन क्रिकेटर्स जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं इनवाइट कर रहा है पाकिस्तान में, उस वक्त जब वो अपने वज़ीर आज़म की कुर्सी संभालेंगे। ये बड़ा अच्छा मौका है यार, और मैं ये चाहता हूँ यार कि हमारे मुल्क में क्रिकेट को फ़रोग मिले। हम और जो कश्मीर में हमारे बेगुनाह बहन भाई शहीद कर दिए जाते हैं यार, उनको भी इंसाफ मिले, उनको भी आज़ादी मिले, और इंडिया के साथ मिलजुल के बातचीत के ज़रिए मसला हल करें
और तीसरी बात जो हमारे बॉर्डर्स पे सीज फायर्स होते हैं और पाकिस्तानी बेगुनाह शहीद कर दिए जाते हैं और पाकिस्तान की वजह से उधर के जो बेगुनाह लोग हैं वो शहीद कर दिए जाते हैं। तो भैया इस मुद्दे पे भी आपको सोचना चाहिए। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि यार हमारे पिछले कुछ सालों से इंडिया के साथ ताल्लुकात हमारे अच्छे नहीं हैं, तो ये वो मौका है अपने ताल्लुकात बेहतर करने को, अपने हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने को जो कि बड़े बड़े अभी तक सियासतदान नहीं कर सके। तो देखते हैं कि ये क्रिकेटर्स हमारे लिए क्या खुशखबरी लाते हैं और ये मिलजुल के क्या करते हैं पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए भी। और मैं चाहता हूँ कि यार पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस हों और मैचेस और मैं ना देखूँ, हो ही नहीं सकता भैया। और लास्ट बात रहेगी यार, और वो ये है कि यार मैं मंडे को हरिपुर जा रहा हूँ। और क्यों जा रहा हूँ अगले ब्लॉग में देख लीजिएगा। सो गुड बाय।